जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन जिला इकाई गरियाबंद के पत्रकारों ने 13 दिनों से अपनी एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण करने को लेकर हड़ताल पर बैठे सचिव संघ और रोजगार सहायक संघ के धरना स्थल पर पहुंचकर उनकी मांगों को जायज बताया और हड़ताल को अपना समर्थन भी दिया। जानकारी अनुसार इस मौके पर छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन जिला अध्यक्ष हिमांशु सांगान, संभागीय सचिव सुनील यादव, जिला कोषाध्यक्ष विजय साहू ने कहा कि आज हम यहां पिछले 13 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सचिव और रोजगार सहायक भाइयों को अपना समर्थन देने आए हैं। आज हम सभी गरियाबंद के पत्रकार साथी आपके बीच अपना समर्थन देने पहुंचे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 25 सालों से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करने और उसे अमली जामा पहनाने में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बावजूद इसके आप लोगों को आज आपका हक नहीं मिल पाया है। इतनी कम सैलरी और संविदा कर्मचारियों के रूप में कार्य करने के बाद भी आप लोग इतनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन लगातार बखूबी करते आ रहे हैं। ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। कई वादों और घोषणाओं के सहारे सत्ता में आई वर्तमान सरकार अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। चुनाव के पूर्व संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा करने वाली सरकार जिन वादों और घोषणाओं के सहारे सत्ता में आई है उन्हें अब तक पूरा नहीं कर पा रही है। हम लोग भी मीडिया के माध्यम से इस बात को लगातार सरकार तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और आगे भी जब तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती करते रहेंगे। आप लोगों की मांगे जल्द से जल्द पूरी हो इसी उद्देश्य से आज जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन गरियाबंद के पत्रकार साथियों की पूरी टीम आप लोगों का समर्थन करने पहुंची है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित गौतम ने भी बीते दिनों सचिव और रोजगार सहायक संघ को समर्थन देते हुए जल्द से जल्द उनके नियमितीकरण की मांग की है। वर्तमान सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह सरकार ग्राम विकास के अलावा सचिवों को अन्य सभी विभाग में कार्य करने के लिए जिम्मेदारी देती है ठीक उसी तरह सरकार को चाहिए कि वो सचिवों को और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति की जवाबदेही लेते हुए उनका नियमितीकरण जल्द से जल्द करे। वही इस मौके पर सचिव संघ के अध्यक्ष अनुज ठाकुर ने कहा कि हम पंचायत सचिव शासन के लगभग 29 विभागों के कार्य को पूरी लगन के साथ धरातल पर क्रियान्वित करते हैं फिर भी सचिव शासकीयकरण करने से वंचित हैं। सचिवों को छत्तीसगढ़ सरकार तत्काल शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुए आदेश जारी किया जाए और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। इस अवसर पर छक जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन जिला इकाई गरियाबंद के महासचिव हेमंत त्रिपुड़े, संभागीय उपाध्यक्ष मोहम्मद जाकिर रिजवी, जिला संरक्षक जीवन एस साहू, प्रदेश सदस्य डॉक्टर प्रदीप बराई, ब्लॉक अध्यक्ष अमित बखारिया, दीपिका बराई, नरेंद्र ध्रुव, मनोज गोस्वामी, मोतीलाल पटेल, सचिव संघ के सचिव संतराम सिन्हा, होरीलाल शर्मा, दौलत सोनवानी, दिलीप खरे, तिजुराम चौहान, शत्रुघ्न साहू, गीता मरकाम, अजित नेताम, कंचन नायक, तुलस ध्रुव, गोविंद सेन, निशा पटेल सहित रोजगार सहायक उपसंघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Banquets lie hai. Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.